नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर क्यूज 16 अगस्त 2020 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के 10 क्वेश्चंस क्या क्या है। आज के क्वेश्चंस में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब स्कीम्स ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेस्पेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, द मोइरा बनानास, हामल चिलीज एंड खाजे ऑफ विच स्टेट हैज गॉट जीआई टैग रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल बिड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गंगाथर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, द पापुम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6, सार्थक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इसराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विद रेस्पेक्ट टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू मॉरिशियस, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड RO-2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। तो हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हुआ है, आप देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब स्कीम्स ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना। आंसर डी है, चारों सही है। पहले देखते हैं चारों क्या है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY, मैं ब्रीफली बता रहा हूँ क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रामीण एक्सप्रेस, ये देखो इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू कनेक्ट विलेजेस इन रिमोट एरियाज, यह है इसका मेन की पॉइंट। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसमें क्या होगा, एम्पावर वीमन इन एग्रीकल्चर बाई मेकिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स टू एनहैंस देयर पार्टिसिपेशन, वीमेन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेगा। अब स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, इसमें क्या होगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा, जो नया विलेजेस में स्टार्टअप्स आएगा इंडस्ट्रीज इसको। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या होगा, एनेबल देम टू इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनहैंसमेंट एंड इंप्रूव एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सेलेक्ट पब्लिक सर्विसेज, बेसिकली हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज करने के लिए जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड एनहैंसमेंट देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेस्पेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैच द फॉलोइंग। तो आंसर क्या है, A1, B2, C3 एंड D4, चारों सही है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिपो रेट, पहले मैं रिपो रेट बताता हूँ क्या है। देखो, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। देखो, RBI दूसरे बैंकों को जो पैसे देते हैं इंटरेस्ट में देते हैं, उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं रिपो रेट। अगर कोई बैंकों को पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत आ गया, पैसे की जरूरत आ गया, तो रिजर्व बैंक से वो लोग लोन लेते हैं, तो उसको रिपो रेट, वो इंटरेस्ट रेट को रिपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रिपो रेट क्या है, रेट एट विच बैंक डिपोजिट एक्सेस फंड, बैंक के पास जब पैसा ज्यादा हो जाता है वो रिजर्व बैंक को देते हैं और उससे इंटरेस्ट लेते हैं, उसको रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, इसी सिस्टम को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। मतलब रिपो रेट और रिजर्व रिपो रेट से जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होगा, इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, ए प्रोविजन विच एनेबल्स द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को एडिशनल अमाउंट कुछ चाहिए तो जल्दी चाहिए, मतलब एक ओवरनाइट के लिए चाहिए, तो रिजर्व बैंक जो देते हैं वो एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। रिपो रेट का 14 डेज होता है इसका टाइम, और ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन ओवरनाइट होते हैं, मतलब ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द मोइरा बनानास, हमल चिलीज एंड खाजे और विच स्टेट हैज गॉट जीए टैग रिसेंटली। तो आंसर है हमारा गोवा, गोवा में है ये। देखो, ये मैं फोटो डाला हूँ ये तीनों का, जीए टैग पता ही आपको, मैंने पहले भी समझाया हूँ, ये ज्योग्राफिक इंडिकेशन रजिस्ट्री हेडक्वार्टर इन चेन्नई ग्रांट किया है जीए टैग गोवा हमल चिलीज विच आर ग्रोन इन हमल विलेज एंड एडजेसेंट एरियाज। तो मतलब इसी विलेज का स्पेशलिटी होना चाहिए, तो इसी विलेज का स्पेशलिटी है ये तीनों, तो इनको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल बिड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गंगाथर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम। आंसर ओडिशा है। देखो, इसके बारे में लिखा हूं, तो बेसिकली ये थे वो बीजापुर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट विच इज नेम्ड एज गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम बाय द स्टेट कैबिनेट हैज बीन इनिशिएटेड टू प्रोवाइड इरिगेशन टू बेसिकली रेनफेड एंड रोट एरियाज को। ये देखो, इतना एरियाज में ये पानी सप्लाई करेगा। अब देखो, लिफ्ट कैनाल सिस्टम है, बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए ये गंगाधर मेहर लिफ्ट कैनाल सिस्टम कहाँ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ओडिशा में है। और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बताता हूँ मैं आपको, आपको क्या है कि ये देखो,
मेथड ऑफ इरीगेशन इन विच वाटर इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाई नेचुरल फ्लो। देखो नॉर्मली वाटर सप्लाई कैसे होता है, हाइट वाले एरिया से नीचे देता है, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाता है। इसमें क्या ग्रेविटी की वजह से नहीं होगा, इसमें कैनाल सिस्टम में पंप के थ्रू, पंप से पंप करेगा और पानी सप्लाई होगा। इसको लिफ्ट कैनाल सिस्टम बोलते हैं, जो ग्रेविटी से नहीं आता है, जो पंपिंग के थ्रू जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, द पापम रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये रिसेंटली न्यूज में भी आया था, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखो स्टडी हैज फ्लैग्ड ए हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पापम रिजर्व फॉरेस्ट। पापम रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, इसलिए न्यूज में आया था ये। देखो ये मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट, हॉर्नबिल पता ही है अरुणाचल प्रदेश का और केरला का नेशनल बर्ड है अरुणाचल प्रदेश। पापम रिजर्व फॉरेस्ट आर एफ इज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, IBA। IBA बहुत इंपॉर्टेंट, IBA ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज को IBAs बोलते हैं। अब देखो इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ है। लोकेटेड बिटवीन इटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द ईस्ट एंड पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू द वेस्ट। देखो ये पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखना है। और ये देखो कहाँ आता है, ईस्टर्न हिमालयस के फूट हिल्स में आता है। और लार्ज नंबर ऑफ पेरिनियल स्ट्रीम्स इरिगेट दिस IBA, मतलब इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड अल्टीमेटली ड्रेन टू ब्रह्मपुत्र रिवर। उधर का रिवर ही है ब्रह्मपुत्र। पापम रिजर्व फॉरेस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस एंडेमिक बर्ड एरिया। ए लार्ज पार्ट ऑफ द साइट इज कवर्ड बाई सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाइल द हायर एरियाज अंडर सब ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ हिल फॉरेस्ट कवर। उधर के क्लाइमेटिक कंडीशन है ये। ठीक है, तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सार्थक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ है। सार्थक क्या है, आंसर है एन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, OPV भी बोलते हैं। देखो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ शोर पेट्रोल वेसल सार्थक हवा से लॉन्च, सार्थक कमीशन हुआ है। अब सार्थक इज द फोर्थ इन सीरीज ऑफ 5 OPVs डिप्लॉयड बाय द कोस्ट गार्ड टू एनहांस मैरिटाइम सिक्योरिटी। OPV ध्यान रखना है। इट हैज बीन डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजिनियसली बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इन लाइन विद मेक इन इंडिया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में है ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इसराइल एंड UAE। देखो दोनों दोनों गलत है। तो UAE इज द मेंबर ऑफ ओपेक एंड इसराइल इज मेंबर ऑफ ओपेक प्लस नहीं है। UAE इज द फर्स्ट अरब कंट्री टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल, नहीं है। देखते हैं, रिसेंटली इसराइल एंड UAE हेल्प बाय द US हैव अराइव्ड एट एन इंपॉर्टेंट पीस एग्रीमेंट। ये आपको मैं कल भी बताया था। UAE इज मेंबर ऑफ ओपेक एंड इसराइल इज नॉट ए मेंबर ऑफ ओपेक प्लस, ये भी एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। UAE विल बिकम द थर्ड अरब नेशन, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कौन कौन सा है, इजिप्ट और जॉर्डन ने पहले किया है इसराइल के साथ। तो बेसिकली एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थर्ड अरब नेशन मतलब इसमें इजिप्ट जॉर्डन सब आता है, पर फर्स्ट पर्शियन गल्फ कंट्री है UAE, ये ध्यान रखना है। पर्शियन गल्फ कंट्री में ये इजिप्ट जॉर्डन वगैरह नहीं आता है, उसमें और कंट्रीज आते हैं। कल के PPT देख लेना, उसमें मैं क्लियर समझाया हूँ। अब ओपेक प्लस, ओपेक प्लस रेफर्स टू अलायंस ऑफ क्रूड प्रोड्यूसर्स हु हैव बीन अंडरटेकिंग करेक्शंस। देखो ओपेक प्लस क्या है, पहले ओपेक समझाता हूँ। ओपेक में कौन कौन है, ओपेक प्लस वॉज फॉर्मड इन बगदाद इराक विद साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट इन सेप्टेम्बर 1960 बाई 5 कंट्रीज। कौन सा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबियन, वेनेजुएला, जो मेन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। अब उसमें मेंबर्स ऐड हुआ है, अब टोटल कितने, 13 मेंबर कंट्रीज है, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, कोंगो, ये सब ऐड हुआ है। तो ये ओपेक में जो नहीं है उसको छोड़ के और भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, उसको ओपेक प्लस में डाला हुआ है। तो ओपेक प्लस में देखो कितना है कंट्रीज, इंक्लूड अजरबैजान, बहरीन, ब्रूने, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। तो इतना ओपेक प्लस में, ओपेक में। तो इससे पता चल जाता है कि हमें ये जो इसराइल है ये मेंबर ऑफ ओपेक प्लस नहीं है और UAE फर्स्ट अरब कंट्री नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, विद रेस्पेक्ट टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो दोनों सही है, देखते हैं क्या लिखा है। देर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही है। और संतली लैंग्वेज स्पोकन इन आसाम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा एंड बंगाली इज इन द लिस्ट। देखो पार्ट कितना है, 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आर्टिकल 343 टू 351। The Constitution does not specify official language of different states at present. 8th schedule of Constitution specify 22 languages. So 22 languages hai schedule mein. Ab Santali language is spoken in Assam, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Bihar, Tripura and Bengal. To ye bhi list mein hai basically. Question number 9. Consider the following statements with respect to Mauritius. Abhi abhi Mauritius mein oil spill hua hai to ye questions dala hai.
इंडिया शेयर्स मैरिटाइम बाउंड्री विद मॉरिशस अलोंग इंडियन ओशन रीजन. ए डे नवंबर 2 इज ऑब्जर्वड इन मॉरिशस अ अप्रवासी डे इन रिमेंबरेंस ऑफ ए शिप एटलस डॉक्ड इन मॉरिशस कैरिंग द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इंटेंडेड लेबरर्स. तो टू ओनली, दो सही है एक गलत है. अब देखो मैरिटाइम बाउंड्री क्या है, मैं समझाता हूँ. मैरिटाइम बाउंड्री इज ए कंसेप्चुअल डिविजन ऑफ अर्थ वाटर सर्फेस एरियाज यूजिंग फिजियोग्राफिक और जियो पोलिटिकल एरिया. बेसिकली हमारा कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट का है, जो पेनिनसुला एरिया है उससे कुछ किलोमीटर कुछ नॉटिकल माइल्स तक हमारे एरिया आपके कंट्री के पास रहता है, ठीक है, एक जोन रहता है. तो इसमें क्या है, इट यूजली बाउंड्स एरियाज ऑफ एक्सक्लूसिव नेचुरल राइट्स. उसमें पूरा राइट्स हमारे है, अगर उसमें मिनरल है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है, एनकॉम्पसिंग मैरिटाइम फीचर्स है, ये सब हमारे पास में है. मतलब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है हमारे पेनिनसुला से इतनी दूर तक. अब जनरली ए मैरिटाइम बाउंड्री डिलिनिएटेड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए जुरिसडिक्शन कोस्ट लाइन. तो कोस्ट लाइन से हमारे जुरिसडिक्शन में आता है. अब इंडिया का मैरिटाइम बाउंड्री कितने कंट्रीज में है, थाईलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, इंडोनेशिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश. तो उसमें मॉरिशस है ही नहीं, मॉरिशस काफ़ी दूर में. और नवंबर 2, 1834 मार्क्स अ डे, एक मॉरिशन हिस्ट्री में डे है नवंबर 2, 1834 में इंडिया से कुछ लेबरर्स गए थे काम करने, तो एक शिप एटलस नाम के शिप में आए थे. तो ये डे अप्रवासी डे करके मॉरिशस में ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 एंड और फाइनल क्वेश्चन, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड RO-2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर. आंसर इज इसराइल. तो RO-2 के बारे में कुछ लिखा हूँ, इसराइल हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम RO-2. ये मेडिटेरेनियन सी में कंडक्ट हुआ था. तो ये नाम ध्यान रखना बस, RO-2 इसराइल, इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हूँ, ये पढ़ लेना. तो हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हुआ है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.